सी बोरी थाना क्षेत्र में चॉकलेट का लालच देकर एक 4 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालिका को सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। MRDC बोरी थाना क्षेत्र में चॉकलेट का लालच देकर 4 वर्षीय बालिका का अपहरण कर लिया गया। उसके बाद 7 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने बालिका को सकुशल परिजनों को सौंप दिया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान SP मगर द्वारा दी गई। विक्टिमचे जे वडील एका कंपनीत लेबर सुपरवायझर म्हणून काम करत होते, त्यांच्याकडेच हा काम आला होता आणि त्याला नंतर कामावरून कमी करण्यात आलं होतं आणि त्याचं डिमांड ही होती फिर्यादीकडे, तो वारंवार फिर्यादीला भेटायला यायचा की मला परत एका कुठल्या तरी कामाला लावा, मला काहीतरी काम द्या। ते फिर्यादीला ते शक्य झालं नाही आणि मग त्यांनी अशी ओळख वाढून मुलीला त्या राग मनात ठेवला आणि त्याच्याकडे कोणतंही काम नसल्याने त्यांनी खंडणीची मागणी केली। आमच्या टीमने नंतर त्याचं लोकेशन काढलं आणि त्या लोकेशनमधून त्या आपली CCTV इथे जी आमची टीम आहे त्यांच्या माध्यमातून लोकेशन मिळाल्यानंतर आमची टीम जी होती त्यामध्ये DB स्क्वॉड, API, DYSP मॅडम यांनी त्याचं सतत त्याला बोलण्यात हे ठेवला, दंग ठेवला आणि त्या भागामध्ये DB's टीम पहिले गेली, तिथे त्याला चेक केला आणि मग फिर्यादी पाठवला गेला। फिर्यादीने पुन्हा त्याला हे केल्यानंतर टीमने पकडला। MRDC थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार रिपोर्ट मिलते ही थानेदार ने संदेहास्पद आरोपियों के मोबाइल लोकेशन प्राप्त कर पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया। इस बीच आरोपियों ने अनजान नंबर से 7 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर बालिका को जान से मारने की धमकी दी। फोन कॉल के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपियों को धर दबोचा। वही बच्ची को सकुशल उसके माता पिता को सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच सहायक पुलिस उप निरीक्षक रामेश्वर राय कर रही हैं।